नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके घर में देव स्थान, पूजन कक्ष, मंदिर किस दिशा में होना चाहिए। यदि आप अपने घर में मंदिर बनवाना चाहते हैं तो पहले यह समझ लें कि किस दिशा में मंदिर देव स्थान होना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन उस ग्रह में रहते हुए अच्छा रहे व हम सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें। हम सभी के मन में प्रश्न रहता है कि घर में मंदिर किस दिशा में होना चाहिए। घर में मंदिर, पूजन कक्ष, रूम पूर्व दिशा, उत्तर दिशा या फिर ईशान कोण में ही रखें। शास्त्रों में ईशान कोण को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति का वास पूर्व दिशा, उत्तर दिशा और ईशान कोण में है। ईशान कोण में महाकाल, साक्षात महादेव जी का वास है और सभी ईश्वरीय शक्ति सकारात्मक ऊर्जा ईशान कोण से प्रवेश करके नैऋत्य कोण से बाहर निकलती है। शास्त्रों का भी मानना है कि ईशान कोण में मंदिर रहना सर्वोत्तम है। शास्त्रानुसार ईश्वरः सर्व विद्यानां, मीश्वरः सर्व भूतानां। ईशान में ही सर्व विद्याओं का वास होता है। सर्व विद्या के अधिष्ठाता और सर्वभूत मनुष्य के सभी देवी देवताओं का वास ईशान कोण में ही है। हमारे जीवन और शरीर के ऊपर इसका बहुत ही असर होता है। मंदिर की दिशा से हमारे जीवन की दिशा भी तय होती है। अगर आपने वास्तु पुरुष की आकृति देखी है तो सिर का भाग ईशान कोण में है। सकारात्मक ऊर्जा हमारे मस्तिष्क से प्रवेश कर हमारे पैरों से बाहर निकलती है। दिशा अनुसार फल, यदि पूर्व दिशा में पूजन कक्ष हो तो आरोग्य अच्छा रहता है। पश्चिम दिशा में मंदिर रहता है तो मन में उद्वेग रहता है। उत्तर दिशा में पूजन कक्ष हो तो धन की प्राप्ति होती है। दक्षिण दिशा में पूजन कक्ष हो तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रकोप रहता है, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। घर में नित्य अशांति का वातावरण बना रहता है, मन भी अशांत रहता है। किंतु अगर ईशान कोण में मंदिर रखें तो सब कुछ अच्छा होता है। सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, घर में शांति बनी रहती है, लक्ष्मी जी का वास घर में रहता है, आरोग्य अच्छा रहता है, मानसिक शांति रहती है और सभी देवी देवताओं की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। ध्यान दें, पूजा स्थान के आगे थोड़ी जगह खाली रखें, जिससे कि आराम से बैठ सकें। मंदिर सीढ़ियों से, शौचालय से दूर रखें। पूजा स्थल के समीप कोई भी अग्नि संबंधित चीज़ों को ना रखें। पूजा रूम में धार्मिक ग्रंथ या सकारात्मक चीज़ें रखें। मंदिर को कभी शयन कक्ष में ना रखें। मंदिर के ऊपर कोई भी वजन वाली वस्तु ना रखें। मंदिर का ऊपर का भाग हमेशा खाली रखें। मंदिर पर कभी भी डस्ट ना जाने दें, स्वच्छता बनाए रखें। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। राधे राधे।